गुड मॉर्निंग क्लासेस का लेसन 3 स्वावलंबन। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है स्वावलंबन, तो स्वावलंबन किसे कहते हैं? अपने ऊपर डिपेंड होना, किसी के ऊपर डिपेंड न करना, अपने काम खुद करना, अपने बारे में खुद सोचना, किसी दूसरे की बातों में ना चलना को हम बोलते हैं स्वावलंबन। तो उस चैप्टर में क्या दिया है आज हम देखते हैं। स्वावलंबन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अवलंबन। स्व का अर्थ है अपना, अवलंबन का अर्थ है सहारा। मतलब अतः स्वावलंबन का तात्पर्य है अपना सहारा लेना, यानी अपना काम स्वयं करना और किसी भी प्रकार से दूसरों पर निर्भर न होना। दूसरे शब्दों में अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहकर कर्तव्य निष्ठा से अपने समस्त कार्यों को करना ही स्वावलंबन है। अपने दायित्व के प्रति, दायित्व का मतलब हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या दायित्व दिया गया, क्या हमारे ऊपर भार है, उन सारे कार्यों को सही ढंग से करना कर्तव्यनिष्ठ होगा। कर्तव्य जो अपने कर्तव्य में निष्ठा दिखाकर कार्य करता है उसे हम बोलते हैं कर्तव्यनिष्ठ। निष्ठा दिखाकर कार्य करना मतलब पूरा मन लगाकर कार्य करना, तो उसे ही बोलते हैं स्वावलंबन। स्वावलंबन का पर्याय आत्मनिर्भरता है। समाज द्वारा जो दायित्व जिसको सौंपा गया है उसको वह पूर्ण निष्ठा से संपन्न करे और किसी भी प्रकार से अपना बोझ दूसरों पर ना डालकर स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग निर्धारित करे। तो स्वावलंबन का अर्थ दूसरा अर्थ अगर बोला जाए तो आत्मनिर्भरता है। आपको समाज के द्वारा जो भी कर्तव्य दिया गया है, जो भी काम दिया गया है, उसे पूरी निष्ठा के साथ करना और उसमें किसी के ऊपर बोझ ना पड़ना, किसी की सहायता ना लेना, बल्कि अपने आप वो कार्य करना और अपने उन्नति के मार्ग को निर्धारित करना ही स्वावलंबन कहलाता है। समाज का जो भी व्यक्ति अपना काम स्वयं न करके दूसरों पर आश्रय रहता है वह स्वयं तो दुख पाता ही है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। जो व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अपना काम हमेशा दूसरों पर लाद देता है, अपना काम ठीक तरह से नहीं करता, वो हमेशा दुखी होता है। खुद तो दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। पराश्रित व्यक्ति पराधीनता का जीवन व्यतीत करता है। वो खुद ब खुद कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। उसमें डर एक होता है, वो अपने कार्यों को खुद नहीं कर पाता, हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता है, पराधीन होकर जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। वो हमेशा किसी के ऊपर आश्रित, किसी की सहायता हमेशा वो खोजता रहता है। इसके विपरीत स्वावलंबी व्यक्ति विपत्तियों में भी ना घबरा कर आत्मबल से अपना मार्ग निश्चित करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो स्वावलंबी व्यक्ति होते हैं वो अगर उनके सामने कोई मुसीबत भी आ जाए तो उससे भी नहीं घबराते और आगे बढ़ते जाते हैं। आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार है और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो अगर आपको उन्नति करनी है तो आपको आत्मनिर्भर अवश्य बनना होगा। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य अपने आप करता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेता है और उसी प्रकार दूसरों को भी सहायता देता है, वो व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहता। जो व्यक्ति हमेशा अपना कार्य खुद करता है और जरूरत पड़ने पर किसी की, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी की सहायता ना लो, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप किसी की सहायता भी ले सकते हो, वो किसी की सहायता भी लेता है और अगर जरूरत पड़े तो दूसरों की भी सहायता करता है, वो व्यक्ति उन्नति की दौड़ में हमेशा आगे रहता है। अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करना और उनका पूर्ण ज्ञान रखना मानव के लिए अत्यावश्यक है। दैनिक मतलब पर डे लाइफ, हर दिन आपको जो जो आपके कार्य हैं वो खुद से करना, उसके बारे में जानकारी रखना, ये मानव का कर्तव्य है। जिस काम के लिए व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है उस काम में वह पिछड़ जाता है और उसका वह कार्य अपूर्ण रहता है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो गए, किसी के सोचो कि वो आने से वो काम कर देगा, तो वो काम आपका कभी भी टाइम पे नहीं होगा, आप हमेशा पिछड़ते रहोगे। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वे समय का सदुपयोग कर अपने सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। जो लोग कर्मवीर होते हैं, काम को अपना धर्म समझते हैं, वो लोग हमेशा अपना काम टाइम पे करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, कभी भी समय को नष्ट नहीं होने देते और सारा काम अपना समय पर संपन्न, संपन्न का मतलब पूरा कर लेना। जो मनुष्य जिस कार्य में पारंगत होता है उस कार्य में वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नति करता है। पारंगत होने का मतलब जिस कार्य में वो कुशल होता है। ऐसा देखा जाए कि फॉर एग्जांपल एक दिया जाए, एक बच्चे को ड्राइंग करने का बहुत शौक है, एक बच्चे को पढ़ने का शौक है। तो जिस बच्चे को ड्राइंग करने का शौक है वो ड्राइंग जो करेगा बहुत ही मन और इच्छा लगाकर करेगा और जिसे पढ़ने का शौक है वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर आप ड्राइंग करने वाले बच्चे को पढ़ने बोलो तो उसे पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज में रुचि होती है उस चीज को वो और भी कुशलता से और भी अच्छी तरह से मन लगाकर करता है।
सार्वजनिक जीवन में जो दायित्व सौंपा जाता है उसको अपना पुनित कर्तव्य समझकर पूर्ण करना चाहिए। अगर आपको कुछ कार्य सौंपा जाता है सार्वजनिक रूप से, मतलब बताया गया है, सबको कार्य डिवाइड कर दिया गया है कि ये कार्य आपको करना है, वो कार्य आपको करना है, तो वो पुनित एक पवित्र कार्य बोला जाए दिया गया है और उसे अपना दायित्व समझकर हमें पूरा करना चाहिए। स्वावलंबी पुरुष सिंह उद्यमी व परिश्रमी होता है, परिश्रम पूर्वक किए गए कार्यों से सफलता चरण चूमती है। स्वावलंबी व्यक्ति परिश्रम के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है वह हमेशा परिश्रम करता है और परिश्रम करने के कारण वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वह स्वस्थ होता है। लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है इसलिए उसके पास धन की कमी नहीं रहती, हमेशा उसके पास धन की कमी कभी नहीं होती क्योंकि वह हर चीज़ को अपने मेहनत से हासिल कर सकता है। वह अपने बाहुबल से सारी सुख सुविधाओं को जुटाने में सक्षम होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है कि हर चीज़ को वो हासिल कर सके। दूसरों को सहयोग देने के कारण समाज में यश अर्जित करता है और अपने कार्य करने के बावजूद वो दूसरों को भी सहायता करता है, जिससे कि सम्मान में उसका समाज में भी उसका सम्मान होता है, लोग उसे सम्मान देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वावलंबी पुरुष चहुं ओर से उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। इस तरह हम देखते हैं स्वावलंबी व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता, हमेशा सफलता उसे कदम चूमती है और वो हमेशा उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। विद्यार्थी जीवन में मानव जीवन की प्राथमिक अवस्था है। विद्यार्थी जीवन जो है मानव जीवन की प्राथमिक मतलब स्टार्टिंग स्टेज कहा जाए। विद्यार्थी जीवन में जैसी नींव पड़ जाती है उसी पर सारा जीवन अवलंबित होता है। अब विद्यार्थी जीवन में बच्चे जो सीखते हैं उसी पर जीवन भर वो उसी चीज़ को उसी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें बोला जाता है कि विद्यार्थी जीवन में अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी भर वो बातें हमें याद रहती हैं और जीवन भर वो बातें हमारे जीवन में काम में आती है। इसलिए एक विद्यार्थी को अपने सारे कार्य अपने आप करने चाहिए। विद्यार्थियों में दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों में कभी भी दूसरों पर डिपेंड होने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, उन्हें अपना कार्य खुद करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने होमवर्क जो क्लास में दिए गए हैं क्लास वर्क वो भी खुद से करने चाहिए। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आए आप मम्मी पापा अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन फिर भी अपना कार्य आपको स्वयं ही करना चाहिए। अपने कपड़े आप धोने चाहिए। अपने शरीर व पढ़ाई संबंधी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने छोटे मोटे कपड़े जो आप धो सकते हो उसे आप खुद साफ करना चाहिए। अपने पढ़ाई और शरीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जितना हो सके आप कर सको वो आपको खुद ही करना चाहिए। बड़े विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के साथ धन अर्जित करने के साधन भी जुटाने चाहिए ताकि समय समय पर माता पिता के भार को हल्का कर सके। और जो बड़े विद्यार्थी जो कहा जा रहा है जो स्कूल खत्म करके कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अगर चाहें तो विद्या के साथ साथ धन अर्जित करने का भी मार्ग सुयोजित कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने माता पिता की समय समय पर सहायता कर सके। अपने शिक्षण संबंधी कार्यों को दूसरे छात्रों द्वारा नहीं कराना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही दैनिक जीवन से सारे कार्य सीख लेने चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। घर गृहस्थी के कार्य भी सीखने चाहिए क्योंकि ये जीवन के हर मोड़ पर काम आते हैं। विद्यार्थी जीवन में आपको बहुत कुछ नहीं सीखना चाहिए, यहाँ तक कि लड़का हो या लड़की हो डेली लाइफ में जो भी कार्य हम करते हैं हर कार्य हमको सीखना आवश्यक है। गृहस्थ जीवन के लिए जो जो कार्य आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाना बनाना तो केवल वो लड़की को ही सीखना जरूरत है, लड़कों को भी ये चीज़ सीखना चाहिए। संसार में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने कर्मों के महान बनाया। अब्राहम लिंकन एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे, वे स्वावलंबन के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन सके। आप सोच सकते हो राष्ट्रपति बनना कितनी बड़ी बात है। एक निर्धन परिवार में जन्म हुए थे लेकिन अपने स्वावलंबन के कारण अपने आत्मनिर्भरता के कारण वो उस पद पर नियोजित हुए। मैकडोनल्ड नामक एक मजदूर परिश्रम से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, एक साधारण सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। हमारे देश में भी ऐसे महापुरुषों के आदर्शों की कमी नहीं है। श्री लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत गरीब परिवार में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने स्वावलंबन के बल पर भारत का लाल व भारत का बहादुर बनकर दिखा दिया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले अखबार बेचते थे वो पहले। वे स्वावलंबन कर्तव्य निष्ठा परिश्रम के बल पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए राष्ट्रपति पद पर। इसी प्रकार देश के कई अन्य गणमान्य जन हैं जिन्होंने जीवन भर अपना काम स्वयं करके आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता से समाज
वह राष्ट्र को ऊपर उठाया। तो यहाँ बहुत सारे महापुरुषों का एग्जाम्पल दिया गया है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ नहीं दिया गया है। गणमान्य मतलब जाने माने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी आत्मनिर्भरता के कारण अपने आप को एक ऊँचे पद पर सुनियोजित किया और समाज को आगे बढ़ाया, समाज और राष्ट्र को ऊपर उठाया। इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अपना खाना अपने आप बनाती थी और कपड़े भी स्वयं धोती थी। इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद उनके आगे पीछे दसों पैरों नौकर नौकरानी घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य स्वयं करना पसंद करती थी और अपना खाना स्वयं बनाती थी, अपने कपड़े भी स्वयं साफ करती थी। स्वावलंबन जीवन का आधार है, प्रगति की सीढ़ी है, इसलिए हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनना चाहिए। तो ये जीवन का आधार है, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें स्वावलंबी बनना अति आवश्यक है। यदि सभी विद्यार्थी स्वावलंबन की शिक्षा ग्रहण करें तो वे जीवन में किसी क्षेत्र में असफल नहीं होंगे। अगर हर बालक ये मन में अपनी निष्ठा कर ले, ये मन में ये दृढ़ निष्ठा करे कि वो कर्तव्यनिष्ठ बनेगा, स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करेगा, तो वो कभी भी असफल नहीं होगा। हमेशा वो सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाएगा और सफलता के शिखर पर पहुंच जाएगा। यदि हमारे यहाँ सभी स्वावलंबी बन जाए तो सारा राष्ट्र उन्नत हो जाएगा। यदि राष्ट्र या देश कैसे बनता है, लोगों को लेकर एक राष्ट्र तैयार होता है या फिर एक देश तैयार होता है। जब देश के सारे व्यक्ति स्वावलंबी बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, वो कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा, तो ये देश खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा। तो कहा जा रहा है कि खासकर आज के विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जिससे कि वो देश को आगे ले जाए, देश की उन्नति उनके कंधों पर आश्रित है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। थैंक यू।